सूखे की भीषण मार से परेशान उत्तर कोरिया की मदद के लिए दक्षिण कोरिया आगे आया है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया में पिछले 37 साल में सबसे भयंकर सूखा पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक खाने के सामान की कमी की वजह से उत्तर कोरिया के लोगों को रोजाना सिर्फ 300 ग्राम भोजन पर निर्भर करना पड़ रहा है। बताया गया कि सूखे और आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से वहाँ खाने के सामान की भारी कमी हो गई है, जिसके बाद दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया की मदद के लिए आगे आया और वहां 50,000 टन चावल भेजने की योजना बनाई। बीते एक दशक में ये पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग पड़े उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया मानवीय राहत देने वाला है। बताया गया कि उत्तर कोरिया की 40% आबादी को तुरंत मानवीय मदद की जरूरत है। लखनऊ में बारातियों से भरी गाड़ी एक नहर में गिर गई। बताया गया कि गाड़ी में 29 बाराती सवार थे, जिनमें से 22 लोगों को बचाव दल ने नहर से निकाल लिया, जबकि 7 बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लोगों को नहर से निकालने की कोशिश तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक बारातियों को लेकर गाड़ी बाराबंकी से लौट रही थी, इसी बीच इंदिरा नहर के पास ये हादसा हो गया। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। अजीत, दुखद यह हादसा है, 7 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, किस तरह की कोशिश वहां पर की जा रही है? देखिए, बिल्कुल 29 लोग डूबे थे, 22 लोगों को बचा लिया गया था जबकि, लेकिन 7 बच्चे गायब हैं, जिसमें 6 बच्चे हैं और 1 बच्ची, यानी 7 बच्चों को अभी भी तलाश जारी है। एनडीआरएफ की 3 टीमें मौके पर पहुंची और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है, आला अधिकारियों को मौके पर भेजा और खुद एनडीआरएफ के जो डीजी हैं उनसे बात की है मुख्यमंत्री ने कि तत्काल राहत जो है वो पहुंचाया जाए और प्रशासनिक जो कोई एक तरीके से कोई चूक न की जाए, वहां पर लगातार तलाश जारी है। गोताखोर भी 3 जगह से बुलाए गए, क्योंकि बाराबंकी से वैवाहिक कार्यक्रम में नागाराम यानी मोहनलालगंज लखनऊ आए थे और जाते समय पिकअप पलटी है, अनियंत्रित होकर पिकअप सीधे इंदिरा नहर में गिर गई, चूंकि सीधे सरयू से निकलती है इंदिरा नहर और काफी बहाव होता है इस नहर में, जिसकी वजह से जो लोग डूबे थे काफी दूर तक बह गए। 22 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 7 बच्चे अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर। बिल्कुल अजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या पिकअप गाड़ी की रफ्तार ज्यादा थी जिस वजह से नियंत्रण खो दिया गाड़ी ने, और कितने बजे ये हादसा हुआ? बिल्कुल, यह हादसा सुबह 3 बजे के आसपास हुआ, जब लोग वहां से निकले थे और जा रहे थे बारात से वापस घर की तरफ अपने, और इंदिरा नहर की जो पटरी है वो सिंगल रोड है, लिहाजा गाड़ी की स्पीड की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गई साइड लेने में और सीधे नहर में जा गिरी, और नहर में गिरने की वजह से 29 लोग सीधे नहर के अंदर चले गए। हालांकि 22 लोग जरूर बचा लिए गए, लेकिन जो छोटे बच्चे थे उसमें 6 लड़कियां और 1 लड़का, 7 लोग अभी भी लापता है। लगातार जो गाँव के लोग हैं वो भी नहर के अंदर उनकी खोजबीन कर रहे हैं, गोताखोर कर रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम पहुंची, लेकिन अभी भी उन 7 लोगों का पता नहीं लगाया जा सका है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द उनको तलाश किया जाए, उनको बाहर निकाला जाए, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है, 7 लोग लापता जिनके। बिल्कुल अजीत, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे, फिलहाल शुक्रिया। महाराष्ट्र में अगले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में 2.5-2.5 साल मुख्यमंत्री वाले शिवसेना के बयान पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। उन्होंने शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर बताया कि शिवसेना और बीजेपी के बीच समझौता हो चुका है, समय आने पर ऐलान किया जाएगा। अनेक चर्चा होता, मंत्री कोण, मुख्यमंत्री कोण, हे गौण आहे, त्यानंतरचे काय निर्णय असतील, उद्धवजींनी आणि आम्ही सगळे निर्णय योग्य प्रकारे ठरवलेले आहेत, योग्य वेळी योग्य निर्णय सांगायचे असतात, सगळे निर्णय नेहमी सांगायचे नसतात, तुमचा त्यांच्यावर विश्वास आहे, आमच्या कार्यकर्त्यांचा माझ्यावर विश्वास आहे, त्यामुळे या भानगडीत कोणीही पडण्याचं कारण नाहीये। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक सिख ड्राइवर से मारपीट के मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट में मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि मुखर्जी नगर मामले में पुलिस वालों ने कानून तोड़ा है। मुखर्जी नगर की घटना में पुलिस वाले सरबजीत नाम के एक आदमी को घसीटते हुए थाने में ले गए, इस पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस वालों ने पूरी घटना में अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया। घटना पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि वो मामले की जांच क्राइम ब्रांच से करा रही है, लेकिन हाईकोर्ट की डबल बेंच इससे संतुष्ट नहीं हुई।